हुजूर आला। आपका स्वागत है मान सिंह जी। हम सब जानते हैं कि आपने कितनी बहादुरी से अकेले ही उस खतरनाक डाकू जंगा को पकड़ा। हम आपकी इस बहादुरी पर शाबाशी देते हैं। शुक्रिया जहापना। वो डाकू कहाँ है मान सिंह जी? उसे दरबार में पेश करें। हमारी प्रजा को महीनों तक परेशान करने के जुर्म में हम उसे कड़ी से कड़ी सजा देना चाहते हैं। मुझे माफ कर दीजिए जहापना, शाही महल आने के लिए जब हम नदी पार कर रहे थे तो वो डाकू अचानक गायब हो गया। गायब हो गया? क्या मतलब गायब हो गया? कोई ऐसे कैसे गायब हो सकता है? हुजूर, मेरा यकीन कीजिए, मैं भी हैरान हो गया था। पता नहीं वो हमसे कैसे बचकर निकल गया। मैंने उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की पर वो कहीं नहीं मिला। दोपहर की कड़कती धूप में नदी पर कोई भी नहीं था सिवाय एक साधु के जो नहाने के लिए नदी पर आया था। जंगा अचानक गायब हो गया हजूर। बस बहुत हो चुका मान सिंह जी, हम और कुछ सुनना नहीं चाहते। आप पर हमने भरोसा किया था मगर आपने हमारा भरोसा तोड़ दिया। हम आपको देश निकाला देते हैं। हुजूर, मैं वादा करता हूं मैं उस डाकू को ढूंढ निकालूंगा। मुझे एक मौका और दीजिए। बस अब तुम्हें कोई और मौका नहीं दिया जाएगा। इसी वक्त हमारे राज्य से निकल जाओ वरना हमें सिपाहियों से कहकर तुम्हें बाहर निकालना होगा। महारानी, महारानी! क्या बात है जहांपनाह, आप परेशान लग रहे हैं। महारानी, हमने आपके भाई को देश निकाला दिया है। उन्होंने हमारा भरोसा तोड़ा है। एक बेहद खतरनाक डाकू उनकी हिरासत से भाग गया। पर हुजूर, हमें यकीन है कि उनकी कोई गलती नहीं होगी। मानसिंह जल्द ही उस डाकू को पकड़ लेंगे। ऐसी गलती के लिए हम उन्हें हरगिज माफ नहीं कर सकते। हम उनसे बहुत नाखुश हैं। उन्हें एक और मौका दे दीजिए जहांपनाह, आखिर वो हमारे भाई हैं। आपको इस बात को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। बस महारानी, हम मान सिंह के बारे में और कुछ नहीं सुनना चाहते। तो क्या हुआ अगर वो आपके भाई हैं? कानून से ऊपर कोई नहीं है। पर हुजूर, मान सिंह कोई आम वजीर नहीं है, आप उनके साथ ऐसा नहीं कर सकते। महारानी, अपनी नाजायज मांग से अब आपने भी हमें नाराज कर दिया है। कोई भी हमारा हुक्म नहीं मानने की जरूरत नहीं कर सकता। हम आपको भी देश निकाला देते हैं। आप अपने साथ अपनी सबसे अजीज चीजें लेकर जा सकती हैं। सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात, जो चाहिए उसे लेकर आप आज ही महल छोड़कर चली जाएं। बहना, क्या आपको किसी ने दुख पहुंचाया है? आप रो क्यों रही हैं? भाईजान, हमने जहांपनाह से कहा आपको माफ कर दें और देश निकाला न दें। वो और भी नाराज हो गए और हमें भी देश निकाला दे दिया। ओह, अब हम क्या करें? हम कहां जाएंगे? फिकर मत करो बहना, हम कोई रास्ता ढूंढ निकालेंगे। कोई रास्ता नहीं है, जहांपनाह हमारी बात तक सुनने को तैयार नहीं है। क्यों ना हम बीरबल से बात करें, वो बहुत चालाक है। मुझे यकीन है कि वो कोई ना कोई तरीका जरूर निकालेंगे। हाँ, ये ठीक रहेगा, वो ही हमें बचा सकते हैं। ओह, तो इसीलिए जहांपनाह ने आपको भी देश निकाला दे दिया। फिक्र न करें महारानी, मेरे पास एक तरकीब है जो मुझे यकीन है सफल होगी। पर आपको वैसा ही करना होगा जैसे मैं कहूँ। जहांपनाह के साथ रहने के लिए हम कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। ठीक है, तो आपको ऐसा करना है। आदाब जहांपनाह, महारानी साहिबा ने आपसे विनती की है कि उनके पिता के घर जाने से पहले आखिरी बार आप उनके साथ खाना खाएं। उनसे कहो कि हम थोड़ी देर में हाजिर होंगे। जहांपनाह, आपको नाराज करने के लिए हम बहुत शर्मिंदा हैं और आपकी सजा के भी हकदार हैं। हमने फैसला किया है कि अब से हम अपने पिता के घर ही रहेंगे। हमारे साथ आखिरी बार खाना खाने के लिए शुक्रिया हुजूर। खाना आने तक लीजिए शरबत पीजिए।
सर में दर्द हो रहा है। महारानी, आप अभी तक गई नहीं? ओह, ओह, क्या हम कहाँ हैं? जहां पना, आप हमारे पिता के घर हैं। हम आपके पिता के घर क्या कर रहे हैं? महारानी, हमें यहाँ कौन लाया और हम यहाँ किस लिए हैं? हम समझाते हैं हुजूर, हम आपको यहाँ लाए। क्यों? हमने आपको देश निकाला दिया था, आपकी जुर्रत कैसे हुई हमारा हुक्म न मानने की? हमने आपकी आज्ञा अस्वीकार नहीं की है जहांपना, बल्कि स्वीकार ही की है। हुक्म माना? हमने आपको महल छोड़ने के लिए कहा था, न कि हमें साथ लाने को। जहांपना, आपने हमसे कहा था कि हम अपने साथ अपनी सबसे अजीज चीज ले जा सकते हैं। आप हमारे लिए इस दुनिया में सबसे अजीज है जहांपना, इसलिए हमने आपकी आज्ञा स्वीकार ही की। बहुत खूब महारानी, बहुत खूब। हम अपना हुक्म वापस लेते हैं, आप वापस महल आकर हमारे साथ रह सकती हैं। शुक्रिया जहांपना। इतने जल्दी नहीं महारानी, हम जानते हैं कि ये किसी और की अकलमंदी है। बताइए कौन है वो? आप सही फरमा रही हैं जहांपना, ये बीरबल का ही सुझाव था। हम जानते हैं ये बीरबल ही सोच सकता है। आदाब जहांपना। मानसिंह, आप अभी तक यही हैं? क्या हमने आपको देश निकाला नहीं दिया था? और आपके साथ ये आदमी कौन है? हुजूर, मैं माफी चाहता हूं आपका हुक्म ना मानने के लिए, पर मैं जंगा को आपके दरबार में पेश करना चाहता था। बीरबल की वजह से हम इस खतरनाक डाकू को ढूंढ पाए। कैसे ढूंढा इसे? हुजूर, जब मैंने बीरबल को बताया कि जंगा हमारी चुंगल से कैसे भाग निकला था, तो उन्होंने कहा था कि साधु का उस समय उस नदी पर होना बहुत बड़ा इत्तेफाक था, इसीलिए हम वापस उस गांव गए उस साधु की खोज में। जब हमें वो मिला, हमें पता चला कि वो कोई और नहीं बल्कि जंगा था, जो साधु के भेष में गांव में घूम रहा था। शाबाश, बहुत खूब बीरबल, आपने बड़ी होशियारी दिखाई। आपने एक बार फिर से साबित कर दिया कि आपकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। मानसिंह जी, हम आपकी सजा वापस लेते हैं, क्योंकि आपने अपना काम बखूबी कर दिखाया है। बहुत खूब, शाबाश। राजा बीरबल जिंदाबाद, शहंशाह अकबर जिंदाबाद, राजा बीरबल जिंदाबाद। मसल पावर शक्तिशाली है? नहीं, दिमागी शक्ति मसल की शक्ति से बढ़कर है। तुम कैसे कह सकते हो कि मसल पावर सबसे बड़ी है? क्योंकि हमारे स्कूल में यह लड़का है जिसके मसल ताकतवर हैं, और स्कूल के सभी बच्चे इससे डरते हैं। इसलिए कि वो अपने मसल की ताकत से घुसा लगाकर किसी को भी गिरा सकता है। अब बताओ, क्या मसल पावर शक्तिशाली है? ये सच हो सकता है, पर मैं मौली की तरफ हूँ। दिमाग की शक्ति मसल की शक्ति से ताकतवर हो सकती आप है। आप लड़कियों को मसल पावर का मतलब पता नहीं, आपको सुपरमैन बैटमैन नहीं पता? हाँ, तुम्हें बहस नहीं करनी चाहिए, मसल पावर सबसे ताकतवर है। मैं नहीं मानती। हाँ, हम नहीं मानती। चलो माया को बुलाते हैं। हाँ, चलो माया को बुलाते हैं। माया, 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 माया,
बताओ, हमें तुम्हारी मदद की जरूरत है। हे बच्चों, कैसे हो? मौली और सायशा कह रही है कि दिमाग की शक्ति ताकतवर होती है, पर हम सबको लगता है कि मसल पावर सबसे ताकतवर है। माया, अब तुम ही बताओ कि ताकतवर क्या है? देखो बच्चों, ये सवाल उतना आसान नहीं जितना दिखता है। इससे पहले कि मैं जवाब दूं, मैं आपको महासयाना के बारे में बताना चाहती हूं। माया, ये महासयाना कौन है? महासयाना एक छोटा सियार था। वो एक बड़े जंगल में रहता था। जैसे कि ये नाम जताता है, महासयाना मतलब चतुर। वो अपने नाम के जैसा ही बहुत होशियार था। एक दिन वो खाने की तलाश में जंगल में घूम रहा था। कहाँ गायब हो गए हो सारे के सारे छोटे मोटे प्राणी? बाहर आ जाओ, महासयाना को उसका खाना चाहिए। जरा तुम्हारा शिकार तो करूं, है? एक छोटा चूहे तक नहीं मिला आज मुझे। अरे, ये तो वाकई में एक बड़ा हाथी है। पर ये जमीन में लेट लेट के क्या कर रहा है? जरा जाके पता लगाता हूँ। प्रणाम हाथी भाई, आप दिन के इस समय में क्यों सो रहे हैं? अरे बाप रे, मुझे अपने किस्मत पे यकीन नहीं होता। ये तो मरा हुआ है। अब मुझे हफ्तों तक शिकार करने की जरूरत नहीं है। अब लंबे समय तक दावत ही दावत सिर्फ मेरे लिए। इस हाथी की चमड़ी इतनी मोटी है कि मेरे दांत इसे काट ही नहीं पा रहे, पर इसके मांस तक कैसे पहुंचूं? महासयाना, कुछ करो, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करो। जंगल का राजा, इससे पहले कि वो इस हाथी के बारे में कुछ उल्टा सीधा सोचे, मुझे उसे रोकना है। वो तो राजा है, उसके स्वाभिमान का इस्तेमाल करता हूँ। महासयाना, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जंगल के राजा की जय हो। देखिए, मैंने आपके लिए क्या ढूंढा है, मरा हुआ हाथी। इसे आपको भेंट करने के लिए मैं कब से इसकी रक्षा कर रहा हूँ। कृपया आप इसे स्वीकार करें। ए मोर, तुमने मुझे समझ क्या रखा है? एक परश्राई, मैं सिर्फ उसी शिकार को खाता हूँ जो मैंने अपने बलशाली हाथों और दांतों से किए हो। मैं जानता हूँ महाराज, लेकिन मेरे पास जो कुछ भी आएगा पहले आपको पेश करूँगा, क्योंकि आप इस जंगल के राजा हैं। अच्छी बात है, मुझे अच्छा लगा, तुम बहुत अच्छे हो। और चतुर भी, मैं ये जानता हूँ, समझे? ये सब मेरी चाल है, तुम मेरे इशारों पर चल रहे हो, ये तुम कभी नहीं समझ सकते। धन्यवाद मुझे पेश करने के लिए। मैं इसे तुम्हें लौटा देता हूँ ताकि तुम इसका आनंद ले सको। इसे मेरी तरफ से भेंट करो। क्या बात है, मुझे पता था तुम यही कहोगे, मैं इसी जवाब का इंतजार कर रहा था। धन्यवाद जंगल के राजा, दावत का आनंद। ये तो आसान था, मगर इस मरे हुए हाथी के मांस तक कैसे पहुंचूं? ओह नो, ये वाघ तो बहुत ही भूखा लग रहा है। अरे बाप रे, एक और दावेदार। अब मैं क्या करूं? कुछ करना पड़ेगा, अब तो जल्दी से कुछ सोचना पड़ेगा। कुछ तो सोचना पड़ेगा। हाँ, इसके साथ भी चालाकी करनी होगी, नहीं तो ये मेरा हाथी ले जाएगा और मैं भूखा रह जाऊंगा। अब यहाँ हमारे लिए क्या है? वाघ मामा, आप कृपया यहाँ से भाग जाइए। क्यों? मैं इस बड़े हाथी को तुम्हारे लिए ऐसे ही छोड़ दूं? मैं पहले इस हाथी को खाऊंगा, हाँ, फिर बचे हुए हिस्से को तुम खा लेना। अगर ये बड़ा सा हाथी मेरा होता तो मैं इसे तुम्हें भेंट स्वरूप दे भी देता, मगर इस हाथी की सिंह के लिए मैं रखवाली कर रहा हूँ, जिसने इसकी शिकार की है। सिंह कहाँ है? वो नजदीक के तालाब में नहाने गया है और मुझे इसकी रखवाली करने को कहा है, जिसकी उसने शिकार की है। और तुम्हें पता है, वो वाघों से नफरत करता है। क्यों? एक दिन वाघ ने उसके मारे हुए हाथी को खा लिया था और बचा हिस्सा सिंह को खाना पड़ा था। उस दिन से सिंह
वाघ से बेहद नफरत करता है और उसने कसम खाई है कि वो हर उस वाघ को मार डालेगा जो उसके रास्ते में आएगा। धन्यवाद प्रियसी यार, अगर तुम मुझे नहीं बताते तो सिंह मुझे मार देता। कृपा करके सिंह को मत बताना कि तुमने मुझे देखा है। वाघ मामा, अब आपको यहाँ से तुरंत जाना चाहिए। सिंह अब किसी भी वक्त यहाँ आता ही होगा। हाँ, ये मैं गया। देखो तो वो कैसे अपनी दुम दबाकर भाग रहा है। वो सारे शक्तिमान हैं, पर दिमाग नहीं है। पर मैं अपनी समस्या को कैसे हल करूं? हा, चीता यही है जो मेरी मदद कर सकता है। उसके पास नुकीले दांत है जो हाथी की चमड़ी को आसानी से काट सकते हैं। एक बार उसने मेरी मदद कर दी तो मैं उसे थोड़ा हिस्सा देकर रवाना कर दूंगा। हाँ मेरे प्यारे चीता, कृपया यहाँ आइए। अरे दोस्त, ये क्या है? ये हाथी है। तुम्हें भूख लग रहे हैं मेरे दोस्त? हाँ मैं भूखा हूँ, मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया है और इस हाथी को देखकर तो मेरी भूख और भी बढ़ गई है। मुझे बताओ तुम इस हाथी को क्यों नहीं खा रहे हो? काश मैं इसे खा पाता, मगर इस हाथी को सिंह ने मारा है और उसने मुझे उसके लौटने तक इसकी रखवाली करने के लिए कहा है। अरे बाप रे, क्या तुमने सिंह कहा? अरे बाप रे, मुझे यहाँ से भागना होगा नहीं तो मुझे मार डालेगा। रुको 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 रुको, ऐसे भागो मत। तुम चाहो तो टुकड़ा काट के खा सकते हो जब तक वो ना आए। तुम पागल हो गए हो? अगर मैंने इसे हाथ भी लगाया तो सिंह मुझे मार देगा। मुझे कोई खतरा नहीं उठाना है। पर मैंने तो सुना था चीते बड़े बहादुर होते हैं। तुमने कहा कि तुम भूखे हो, तुम मेरे चाचा के समान हो। मैं सच में तुम्हें थोड़ा देना चाहता हूँ। मैं सिंह पर नजर रखता हूँ और जैसे ही वो आ जाए मैं चिल्लाऊंगा और तुम भाग जाना। अब तुम इतना जोर दे रहे हो तो थोड़ा खा ही लेता हूँ। तुम मेरे मेहमान हो, सावधान रहना। जैसे ही तुम सिंह को देखोगे मुझे आगाह कर देना। चिंता मत करो, आगे बढ़ो, मैं यहाँ से नजर रखता हूँ। चलो चलो, जो मैं चाहता था वही किया। अब उसे डराने का वक्त आ गया है। भागो भागो, मुझे सिंह आता हुआ दिखाई दे रहा है। अब मैं इस हाथी को बिना किसी की मदद के पूरा खा सकता हूँ। इतनी जल्दी नहीं मेरे दोस्त, मुझे भी इसमें अपना हिस्सा चाहिए। तुम कहाँ से आ गए और मैं इसे तुम्हारे साथ क्यों बांटूं? भाग जाओ नहीं तो एक घूंसा लगाऊंगा। अच्छा लड़ना चाहते हो? हाँ मैं तैयार हूँ। स्वादिष्ट भोजन का आनंद लेने का समय आया है। हाँ बच्चों, तो ये कहानी सुनकर क्या तुम कह सकते हो कि मसल पावर ताकतवर है या दिमाग की शक्ति? जेकॉल ने अपना दिमाग इस्तेमाल ना किया होता तो बाघ और चीते ने उसका खाना खा लिया होता। और सियार ने भी। बाघ और चीता ज्यादा ताकतवर थे, फिर भी आखिर में छोटे से सियार ने अपने दिमाग का इस्तेमाल कर उनसे पीछा छुड़ा ही लिया। हम सब जान चुके हैं कि दिमाग की शक्ति मसल की शक्ति से ताकतवर है। तुम क्या कहते हो सैंडी? हाँ तुम सच कह रहे हो। इस कहानी को सुनने के बाद मैं भी समझ गया कि दिमाग की शक्ति कभी भी मसल की शक्ति से ज्यादा ताकतवर होती है। ये हुई ना बात, तुम सबने अपने आप ही इसका जवाब दे दिया। तो आज हमने क्या सीख ली? तुम चाहे कितने ही बड़े और ताकतवर हो फिर भी एक छोटे से शक्तिशाली दिमाग को नहीं हरा सकते। बहुत खूब सैंडी। थैंक यू माया। मैं बहुत खुश हूँ बच्चों, अब मेरे जाने का समय आ गया है। फिर मिलेंगे, अपना ख्याल रखना। फिर मिलेंगे माया। बाय बाय बच्चों। बाय बाय माया। बाय बाय बाय।
मुझे पता है कि आप मेरा ही इंतजार कर रही हैं। अब आप अपना नाम बताने का कष्ट करेंगी? मैं इस सिंहासन की 11वीं पुतली त्रिलोचना हूँ। आपने यहाँ आने का कष्ट क्यों किया? आप जब 10वीं पुतली के कहने से भी ना माने तो मैंने सोचा शायद आप मेरी कहानी से समझ जाए। अच्छा, आपकी कहानी में ऐसी क्या बात है? बात तो है, लेकिन अब ये देखना है कि आपने वो बात है कि नहीं। अगर हमारे अंदर बात ना होती तो हम राजा कैसे बनते? राजन, मैं इस सिंहासन के अधिकारी राजा विक्रमादित्य की सेवा में वर्षों तक रही हूँ। मैं आपको राजा विक्रमादित्य की एक कहानी सुनाती हूँ। कहानी सुनकर स्वयं निर्णय कीजिए कि आप इस सिंहासन पर बैठने के योग्य हैं या नहीं। ठीक है, ये तो हम कहानी सुनने के बाद ही निर्णय करेंगे। राजा विक्रमादित्य सही अर्थों में प्रजापालक थे। अपनी प्रजा की सुख शांति के लिए वे सदैव तैयार रहते थे। हे हमारे प्रियजनों, हम राज्य की सुख शांति के लिए महायज्ञ करवाना चाहते हैं। हम सभी आपके इस कार्य की सराहना करते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे इस यज्ञ में पवन देव और सागर देव को आमंत्रित किया जाए। महाराज, इसके लिए आपको एकांत में घोर तप करना होगा। राजगुरु, हम कोई भी तप करने को तैयार हैं, परंतु राजगुरु, पवन देव को आमंत्रित करने में न जाने कितना समय जाएगा। हम चाहते हैं कि समुद्र देव की जिम्मेदारी आप संभालें। जैसी आपकी आज्ञा महाराज, मैं अपने ब्राह्मण मित्र से ये कार्य करवाऊंगा। और इस तरह राजा विक्रमादित्य पवन देव को बुलाने स्वयं चल पड़े और एक ब्राह्मण सागर देव को प्रसन्न करने में लग गया। ओम पवन देव प्रसन्न हो, ओम पवन देव प्रसन्न हो, ओम पवन देव प्रसन्न हो। हे राजन, इस समय पवन देव का निवास सुमेरु पर्वत है, इसलिए आप वहीं जाकर तप कीजिए। सुमेरु पर्वत तो यहाँ से बहुत दूर है, हमें वेतालों की सहायता लेनी होगी। हे वेतालों, तुरंत हमारे सामने प्रकट हो। कहिए महाराज। वेतालों, हमें सुमेरु पर्वत जाना है। तो जाइए, किसने रोका है? सुमेरु पर्वत यहाँ से बहुत दूर है, तुम दोनों हमें वहाँ पहुँचा दो। तो चलिए महाराज, उड़ चले सुमेरु पर्वत की ओर। दोनों बेताल महाराज विक्रमादित्य को सुमेरु पर्वत पर छोड़ देते हैं और राजा विक्रमादित्य तप करने लगते हैं। ओम पवन देव प्रसन्न हो, ओम पवन देव प्रसन्न हो, ओम पवन देव प्रसन्न हो। हे राजाओं के राजा विक्रमादित्य, देवराज इंद्र की चहिते तेरी साधना से हम बहुत खुश हैं। मांगो, क्या मांगते हो? प्रणाम पवन देव। पवन देव, हम एक महायज्ञ कर रहे हैं और हमारी इच्छा है कि आप हमारे उस महायज्ञ में अतिथि के रूप में पधार कर हमारा सम्मान बढ़ाएं। मेरे कहीं भी जाने का मतलब है भयानक तबाही, आंधी तूफान आ जाएगा, तेरे राज्य की सभी लहलहाती फसलें उजड़ जाएंगी, तेरे राज्य के सभी पेड़ पौधे उखड़ जाएंगे। क्या तू इस तबाही को अपनी आंखों से देखना चाहता है, केवल केवल अपनी जिद के लिए? नहीं देव, हमारा ये मतलब नहीं था। तो फिर वापस चले जाओ। मैं तुम्हें बता देता हूँ कि तुम्हारे राज्य में कभी सूखा नहीं पड़ेगा, कभी अकाल नहीं पड़ेगा। मैं तुम्हें काम धेनु गाय देता हूँ, जिससे तुम्हारे राज्य में सदैव दूध व दही की नदियाँ बहेंगी। इस तरह पवन देव वर देकर चले गए। हे वेतालो, यहाँ हमारे पास आओ। कहिए महाराज, तुम दोनों ये गाय और हमें हमारे राज्य में पहुंचा दो। लगता है अब हमारे
बुरे दिन आने वाले हैं। क्यों क्यों? ये गाय नहीं देख रहे हो? राजा विक्रमादित्य हमें गाय चराने का काम देने वाले हैं। तुम्हारी बकबक खत्म हुई हो तो चले। बिल्कुल महाराज। ओम सागर देव प्रसन्न हो, ओम सागर देव प्रसन्न हो, ओम सागर देव प्रसन्न हो। हे ब्राह्मण, हम तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हैं। बोलो क्या चाहते हो? प्रणाम प्रभु। महाराज विक्रमादित्य चाहते हैं कि आप उनके महायज्ञ में उपस्थित हों। अगर मैं वहां गया तो मेरे साथ सारा जल भी जाएगा। अगर सारा जल गया तो सभी जीव जंतु समाप्त हो जाएंगे। मैं एक इंसान के लिए सबका त्याग नहीं कर सकता, इसलिए मेरा वहां जाना उचित नहीं। अब मेरे लिए क्या आदेश है प्रभु? मेरी ओर से राजा विक्रमादित्य से कहना कि मुझे उनका निमंत्रण स्वीकार है। जल की बूंद बूंद में मेरा वास है। वे यज्ञ के लिए जिस जल का प्रयोग करेंगे उनमें मैं भी उपस्थित रहूंगा। वे जो यज्ञ करने जा रहे हैं उनकी मैं उन्हें शुभकामनाएं देता हूं, और अपनी ओर से राजा को ये 5 बहुमूल्य रत्न और समुद्री घोड़ा देता हूं। इन्हें मेरी ओर से राजा विक्रमादित्य को दे देना। ऐसा ही होगा देव। ब्राह्मण महाराज को दोनों उपहार लाकर देता है और पूरी बात बताता है। हे ब्राह्मण, रास्ते के परेशानी को सहते हुए आप समुद्र के किनारे पहुँचे और कठोर तप करके बहुत कष्ट सह के आपने समुद्र देव को प्रसन्न किया, इसलिए इन दोनों चीजों पर असली अधिकार आप ही का है, अतः आप इसे स्वीकार करें। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी कहानी महाराज विक्रमादित्य के तप, त्याग और दान की। तो कहिए राजा भोज, क्या आपने कभी ऐसा दान दिया है? अगर हाँ तो आप सिंहासन पर बैठ सकते हैं। हाँ, ये वाकई महान दान था। ऐसा दान आज तक मैंने नहीं किया। आइए आइए, प्रणाम राजा भोज। राजन, मैं सिंहासन की 12वीं पुतली पद्मावती हूँ। तो आज आप आए हैं मुझे सिंहासन पर बैठने से रोकने के लिए? मैं चाहती हूँ आप महाराज विक्रमादित्य के सिंहासन पर बैठें। मैं भी तो यही चाहता हूँ, मगर इससे पहले आपको एक गाथा सुननी होगी, तभी आप इस सिंहासन पर बैठ पाएंगे। कहानी पे कहानी, कहानी पे कहानी, उसके ऊपर एक और कहानी, और उसके बाद तुम्हारी मनमानी। मैं कोई छोटा बच्चा हूँ जो रोज कहानी सुनाकर भगा देती हो मुझे? बैठना है तो कहानी तो सुननी ही पड़ेगी ना। ठीक है, अगर तुम लोग जिद्दी हो तो मैं भी जिद्दी हूँ, सुनाओ कहानी। एक रात की बात है, महाराज विक्रमादित्य महल की छत पर खड़े थे। आ, बचाओ, बचाओ, बचाओ। हमें उसे बचाना चाहिए। बचाओ, बचाओ मुझे, बचाओ, बचाओ। कहाँ जाओगी सुंदरी, उससे बचना आसान नहीं। खबरदार, जो एक कदम भी आगे बढ़ाया तू भी मारा जाएगा। जा, भाग जा यहाँ से। हो सकता है तू मारा जाए। अच्छा तो ये बात है, तो फिर आप मुझसे लड़ने के लिए
तैयार हो जा। तेरी मौत हमारे हाथों ही लिखी है दोस्त। क्यों थक गए? हाँ, हाँ, हाँ। पानी पियोगे? हाँ, 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 पानी पीऊंगा। ले पी पानी, पी। तुझे हम पानी पिला पिला के मारे। पी और ये ले। वो राक्षस फिर से जीवित हो जाता है और अब वो पहले से भी खूंखार हो जाता है। उसके उठते ही जिस जगह राक्षस का खून गिरा था एक दूसरा राक्षस पैदा हो जाता है। है? ये क्या? इसने मुझे पानी पिला पिला कर मारा है। अब हम दोनों मिलकर इसे हवा में उछाल उछाल कर मारेंगे। पकड़ 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 पकड़। ये 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 ले ये ये पुछा दे पुछा दे पुछा दे पुछा दे ये 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 और उछाल से और उछाल। अब तू पकड़। ये ले ये ले। बचा अपने टांगों को। अब भागो नहीं तो मेरे भी हाथ पर काटा लगा। भाग गया। अब डरने की कोई बात नहीं। वो राक्षस भाग गया है और दूसरा मर चुका है। लेकिन तुम हो कौन और ये राक्षस कौन था? मैं सिंहल द्वीप राज्य के एक ब्राह्मण की पुत्री हूँ। एक दिन मैं अपने सहेलियों के साथ एक सरोवर में स्नान कर रही थी, तभी मुझे इस राक्षस ने देख लिया और मुझ पर मोहित हो गया। फिर वो मुझे इस जंगल में उठा लाया। वो मुझसे शादी करने के लिए कहने लगा, लेकिन मैंने भी सोच लिया कि अपने जीते जी इसे अपने शरीर को छूने नहीं दूंगी। डरो नहीं बहन, उस राक्षस की मौत हमारे हाथों। परंतु तुमने दूसरे राक्षस के बारे में नहीं बताया। वो दूसरा राक्षस इसलिए पैदा हुआ क्योंकि पहले राक्षस के पेट में मोहिनी है। वो राक्षस जितनी भी बार मारा जाएगा वो मोहिनी अमृत द्वारा उसे फिर जिंदा कर देगी। जब जब वो मारा जाएगा एक राक्षस और पैदा होता रहेगा, लेकिन पैदा होने वाले राक्षस को मोहिनी जिंदा नहीं कर सकती। क्यों जिंदा नहीं कर सकती? क्योंकि वो पहले राक्षस के खून से जिंदा होता है। तुम ये सब कैसे जानती हो? ये सब मुझे उस राक्षस ने बताया था। तुम चिंता मत करो, हम उस राक्षस को जिंदा नहीं छोड़ेंगे और जब तक हम इसे मार ना दें हम महल वापस नहीं जाएंगे। वो राक्षस अवश्य वापस आएगा। ठीक है, हम उसका यहीं बैठकर इंतजार करेंगे। दूर हटो बहन। तू मेरे हाथों से नहीं बच सकता। मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। तो शेर बनकर हम पर धोखे से वार करने आया था? बस बहुत नाटक कर चुका दोष। ये ले। छोड़ दो मुझे। महाराज उस स्त्री को पकड़ो, वो अमृत ना पिला पाए। ये तो हमारे बाएं हाथ का खेल है, बचपन से यही तो करते आए। छोड़ो छोड़ो मुझे। छोड़ेंगे ना हम तेरी गर्दन ओ मोहिनी, मरते दम तक। कौन हो तुम? क्यों उसके पेट में रहती थी?
मैं शिव भगवान की कड़िका हूँ। एक दिन उनकी आज्ञा का पालन करने में मुझसे थोड़ी गलती हो गई। उन्होंने मुझे क्रोधवश मोहनी बना दिया और इस राक्षस को दे दिया। इस राक्षस को मारकर आपने मुझे मुक्त कर दिया है। अब मैं आपकी सेविका हूँ। मुझे आप स्वीकार करें महाराज, स्वीकार करें महाराज। ठीक है, तुम्हारा स्थान हमारे महल में एक पत्नी के रूप में रहेगा। क्या तुमने जीवन में किसी राक्षस को मारा है? क्या किसी ब्राह्मण कन्या का उद्धार किया है? यदि नहीं तो आप इस सिंहासन पर नहीं बैठ सकते। लौट जाइए राजा भोज, लौट जाइए। आदमी होता तो चलता, मगर राक्षस वो भी दो दो। चल बेटा भोज, आज नहीं तो कल सही। कभी तो मैंने महाराज विक्रमादित्य के जैसा काम किया होगा। सिंहासन पर मैं अवश्य ही बैठूंगा, मैं वापस नहीं जाऊंगा। ठीक है, मैं आपको महाराज विक्रमादित्य की एक गाथा सुनाती हूँ। यदि आपने उनके जैसा एक भी कार्य किया है तो ही आप इस सिंहासन पर बैठ सकते हैं। कहानी सुन लूंगा देवी, मगर जाऊंगा नहीं। एक दिन राजा विक्रमादित्य ने अपने दरबार के विद्वानों, ब्राह्मणों और व्यापारियों के सामने एक प्रश्न रखा। हे महान समस्त जनों, हम ये जानना चाहते हैं कि संसार में सबसे बड़ा दानी कौन है? महाराज, इस धरती पर आपसे बड़ा कोई दानी नहीं है। जो अपनी प्रजा की खुशहाली के लिए अपने प्राण भी न्योछावर कर दे, उससे बड़ा राजा और कौन हो सकता है? महाराज विक्रमादित्य की जय! महाराज विक्रमादित्य की जय! महाराज विक्रमादित्य की जय! ब्राह्मण देव, आप चुप क्यों हैं? आपने कुछ नहीं कहा, आपकी इस चुप्पी का क्या कारण है? महाराज, आपसे बढ़कर भी इस दुनिया में एक दानी जिसका नाम है कीर्ति ध्वज। ये कीर्ति ध्वज कौन है? महाराज, कीर्ति ध्वज एक समुद्र पार के राजा हैं। वहाँ मैंने कई दिन रहकर उनकी दानवीरता देखी है। वे प्रतिदिन सुबह उठकर 1,00,000 सोने की मुद्राएं प्रजा को दान करते हैं। 1,00,000 सोने की मुद्राएं? 1,00,000 सोने के मुद्राएं? हाँ, वे प्रतिदिन जब तक ऐसा नहीं कर लेते, भोजन और पानी नहीं लेते। क्या आप सत्य कह रहे हैं ब्राह्मण देव? एकदम सत्य वचन है मेरा। यदि ऐसा ना हो तो मुझे राज दंड दिया जाए। हे ब्राह्मण देव, हम आपसे अति प्रसन्न हैं, क्योंकि आपने बिना किसी भय के जो सत्य बोलने का साहस किया है वो वाकई में प्रशंसा के काबिल है। ऐसे धनी राजा को अवश्य ही देखना चाहिए और सत्य का पता लगाना चाहिए। हे वेदालो, हमें तुम्हारी आवश्यकता है, तुरंत प्रकट हो। हैं? तुम कौन हो और हमारे महाराज कहाँ है? हंसता क्या है, तुझे तो हंसना भी नहीं आता। जल्दी बता, महाराज कहाँ है? वेतालों, हम ही विक्रमादित्य हैं। माफ करना महाराज, हम आपको पहचान न सके, लेकिन आपके चिकने चिकने चेहरे पर
ये गंदी गंदी झाड़ियाँ क्यों लटक रही हैं? हमारा ये रूप नकली है वेदालो। अच्छा तो बताइए महाराज, हमें क्यों याद किया? है वेदालो, हमें समुद्र पार कीर्ति ध्वज के महल जाना है। अरे महाराज बस आंखें बंद कीजिए। ये लीजिए महाराज, आगे कीर्ति ध्वज महल के पास। धन्यवाद, ये तो हमारा फर्ज था। अब तुम दोनों दूर हो जाओ। जी, जी जाओ। राज्य तो बहुत अमीर दिख रहा है, लगता है यहाँ कोई गरीब नहीं। प्रणाम महाराज। हे मानव, तुम कौन हो और यहाँ कैसे? महाराज मैं उज्जैन का नागरिक हूँ और एक गरीब इंसान हूँ। मेरा नाम धर्म सिंह है। मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? महाराज मैं आपके राज्य में नौकरी करना चाहता हूँ। क्या काम कर सकते हो तुम? महाराज मैं ऐसा काम कर सकता हूँ जिसे कोई नहीं कर सकता। ठीक है, आज से तुम द्वारपाल के रूप में कार्य करोगे। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज। पहले दिन सुबह सुबह महाराज विक्रमादित्य ने देखा कि राजा कीर्ति ध्वज 100,000 सोने की मुद्राएं बांट रहे हैं। ये तब तक चलता रहा जब तक मुद्राएं खत्म नहीं हुई। उसके बाद ही महाराज कीर्ति ध्वज ने भोजन ग्रहण किया। महाराज प्रतिदिन कहाँ जाते हैं, हमें पता लगाना चाहिए। सदा सुखी रहो। ये नहीं। अब मुझे आज्ञा दे देवी। तो ये बात है। प्रणाम देवी। सदा सुखी रहो वत्स। ये लो। नहीं देवी, हमें ये नहीं चाहिए। हम तो आपकी कृपा और दर्शन पाना चाहते थे, इसलिए हमने प्राणों की बलि दी थी। हमें आपकी कृपा चाहिए। कृपा ही तो कर रही हूँ वत्स। नहीं देवी, हम पर आपकी कृपा नहीं। हमें धन नहीं देवी, आपकी कृपा चाहिए। सात बार यही होता रहा और जब आठवीं बार वे कूदने लगे तो देवी ने उन्हें रोका। बस करो विक्रमादित्य, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। बोलो क्या चाहते हो? देवी यदि आपकी हम पर कृपा है और आप हमें कुछ देना ही चाहती हैं, तो ये थैली दे दें जिससे आप हर बार 100,000 सोने की मुद्राएं निकालती हैं। ये लो विक्रमादित्य, आज से तुम इस थैली के स्वामी हो।
अगले दिन जब महाराज कीर्तिध्वज मंदिर के पास आए तो वे चौंक गए। अरे अरे मंदिर कहाँ गया? देवी देवी कहाँ हैं आप? लगता है देवी मुझसे नाराज हो गई हैं। महाराज कीर्तिध्वज वापस आते हैं और पूरे दिन भोजन पानी ग्रहण नहीं करते। महाराज कीर्तिध्वज का वर्षों पुराना नियम टूट चुका था। महाराज की जय हो। आओ धर्म सिंह, कैसे आना हुआ? है? राजन, मुझे आपका रोज रोज कढ़ाई में कूदना अच्छा नहीं लगा। और राजन, मैंने कहा था ना कि मैं वो कर सकता हूँ जो कोई नहीं कर सकता। हे मानव, कौन हो तुम जो मेरे लिए अपने प्राणों की बाजी लगा दी? महाराज, हम उज्जैन के राजा विक्रमादित्य हैं और आपकी दान वीरता सुनने के बाद आपसे मिलने आए थे। आपके इस दान के सामने तो मेरा दान तुच्छ है। संसार में आपसे बड़ा दानी कोई नहीं है। है महाराज कीर्तिध्वज, ये आपकी महानता है जो आप ऐसा सोचते हैं। अब बताइए राजा भोज, क्या आपने महाराज विक्रमादित्य जैसा कोई दान दिया है? अगर हाँ तो इस सिंहासन पर बैठ जाइए, वरना उल्टे पांव लौट जाइए। वाकई में विक्रमादित्य एक महान दानी थे। मैंने ऐसा कोई दान कभी नहीं दिया, लेकिन मैं सिंहासन को नहीं छोड़ूंगा। मैं कल फिर वापस आऊंगा, याद रखना। मैं कल फिर आऊंगा।